नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आलू की कचौड़ी कह लीजिए या आलू की पूड़ी की रेसिपी लाई हूँ। ये पूड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी आज मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये आलू की कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रखी है गैस पर, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाला है, आधा छोटा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है और इसे अब इसमें डाल दिया है एक चौथाई चम्मच हींग। सभी चीज़ों को अच्छे से हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज था, इसको मैंने बारीक चॉप करके ले लिया था, इसको भी ऐड कर देते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी करी लीव्स है, फ्रेश करी लीव्स को डाल देते हैं, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने मिक्सी में दरदरा सा कूट लिया था। तो 3 से 4 कलियां लहसुन की थी और 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको मैंने अच्छे से दरदरा कूट लिया था। अब इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें भूनना है तब तक जब तक अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और प्याज अच्छे से थोड़ा सा भून न जाए। हमें सभी का कच्चापन बस दूर करना है, इसको ज़्यादा इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च यूज़ किया है, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है या तब तक जब तक प्याज का कच्चापन दूर ना हो जाए। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज का कच्चापन दूर करना है दोस्तों, इसका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है या इसे हमें जलाना नहीं है। तो इसे हम अच्छे से पहले भून लेते हैं कुछ समय के लिए। देखिए दोस्तों, हमने प्याज, अदरक, हरी मिर्च सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करते हैं यहाँ पे 6 से 7 मीडियम साइज के नए आलू को उबालकर मैंने रखा था, उसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। तो इसे मैंने मिक्स कर दिया है और डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे हम 3 से 4 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस समय आलू की कचौड़ी या फिर पूड़ी बना रहे हैं तो आप नए आलू में बनाइए, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो एक बार आप नए आलू की कचौड़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुना है और ये बहुत ही अच्छी हमारी चटपटी सी स्टफिंग आलू की तैयार हो गई है। इसमें डालेंगे ढेर सारी कटी हुई हरी धनिया और इसको डालकर मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी आलू की कचौड़ी बनाने के लिए तो तैयार हो गया है। इसको हम अच्छे से पहले धनिया के साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तभी इसकी हम कचौड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है, चटपटा सा हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। इसको रखते हैं साइड में जब तक ये ठंडा होगा, तब तक हम कचौड़ी के लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 परात और इसमें हम 3 से 4 कप मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, उसके हिसाब से आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मोयन। मोयन से हमारा जो कचौड़ी है ना, बहुत ही खस्ता बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक डाला है और सभी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को पहले हम सबसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो आप किसी भी भरवा पूरी, पराठे, कुछ भी कचौड़ी बना रहे हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए आप बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार कीजिए, तभी जो हमारी कढ़ी या फिर पराठा बहुत ही परफेक्ट बनता है, फटते नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें पहले सॉफ्ट आटा तैयार कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे हमारा आटा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा डो रेडी हुआ है। इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, 10 मिनट में अच्छे से ये सेट हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको हम रखते हैं साइड में दोस्तों। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ये अच्छे से फूल चुका है। इसको एक बार अच्छे से हाथों से मसल देंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां पहले तोड़ लेंगे। अभी देखिए, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से फिर से मसल लिया है, बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सूखा बर्तन लेकर इसकी छोटी छोटी हम नींबू के आकार की लोइयां तोड़ लेंगे। तो कचौड़ियाँ थोड़ी सी मोटी मोटी बनती है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम नींबू के आकार का एक लोई ले लिया है, उसको अच्छे से हम पहले
हथेलियों की मदद से रोल करेंगे और इसको सूखे आटे में डिप करके हमें अच्छे से इसको कटोरी का शेप देना है कुछ इस तरह से। अंगूठे और उंगलियों की मदद से बहुत ही इजीली हो जाता है, आप एक या दो बार बनाएंगे आपको बहुत ही परफेक्ट बनने लगेगा। तो देखिए एक कटोरी हमने यहाँ पे कटोरी का शेप दे दिया है, उसके बाद इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो एक से दो चम्मच स्टफिंग हम इसमें डालकर इसको अच्छे से हम सील करेंगे। तो दोस्तों स्टफिंग बिल्कुल गर्म गर्म में आप मत भरिएगा, जब हमारा जो आलू का मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी इसको हम फिल करेंगे। और इसको अच्छे से कुछ इस तरह से उंगली से दबाते हुए इसको हम बंद कर लेंगे, बहुत ही आराम से हो जाता है। देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सील कर दिया, उसके बाद कुछ इस तरह से इसको हम प्रेस कर देंगे। इसी तरह एक मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, लेकिन जो माताएं बहनें हमेशा बनाती हैं किचन में हमेशा खाना बनाती हैं उनके लिए बहुत ही ईजी वर्क है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप यकीन मानिए आपको एक या दो बार में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको ये ट्रिक्स जरूर आ जाएगा और आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पे एक मैंने आपको और बनाकर दिखा दिया, इसी तरह आप सभी को बना लीजिए और उसके बाद इसको हम बेलेंगे। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लोई लेंगे और इसको सूखे आटे में थोड़ा सा लेकर हथेलियों की हाथ सहायता से थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे और उसके बाद इसमें हल्का हल्के हाथों से बिल्कुल बेलन चलाना है, नहीं तो ये फटने लगेंगे। अगर आप नरम आटा गूंथे होंगे तो हमारी कचौड़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं बेलते समय। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है, तो इसे हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाना नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी हमें पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक पूड़ी बना ली है, इसी तरह सभी पूड़ी को बना लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आज हम बहुत अलग तरीके से इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तवा रखा है, तवे पे हम इसको पहले से हल्का सा रोस्ट करेंगे सभी पूड़ियों को। आप इस तरह से एक बार पूड़ी बनाइए, आपकी पूड़ी बिल्कुल भी ऑयल जो कभी कभी हम इसको डायरेक्ट तेल में डालते हैं ना तो बहुत ही तेल पीती है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो हमारी जो पूड़ी है बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। आप एकदम एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए दोस्तों, आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगा। तो सभी पूड़ी को पहले हल्का सा इसको आप सेक लीजिए तवे पर और उसके बाद इसको आप फ्राई कीजिए, इससे पूड़ियाँ बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती हैं और बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मैं सभी जितना मैंने बनाया है पूड़ी पहले इसको हम तवे पर सेक लेंगे, इसी तरह सभी को हम पहले सेकेंगे। तो इसको हम रखेंगे तवे को साइड में और यहाँ पे हम कढ़ाई रखकर वन बाय वन इसको फ्राई भी करते जाएंगे, जो हमने पूड़ियाँ सेक ली हैं उसको हम फ्राई करेंगे और बाकी के एक साइड हम सेकते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो मैंने तवा दूसरे गैस पे रख दिया है, कढ़ाई में तेल हमने पहले गर्म ही करने के लिए रखा था, तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए इसलिए बाद मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं तेल में डालते ही बहुत ही अच्छे से गुब्बारे जैसी हमारी पूड़ियाँ फूलने लगी हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो कचौड़ियाँ हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगी और तेल में बहुत ही अच्छे से जाकर फूलेंगी और बहुत ही झटपट से ये फ्राई भी हो जाती हैं। आप देखें ना कितना झटपट सारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई, तेल में ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना पड़ा और बहुत ही इजी ये मेथड है दोस्तों। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और आपको आज का मेरा ये आइडिया कैसा लगा कचौड़ी बनाने का ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने एक पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है, कितनी फूली फूली बनी है, इसी तरह सभी पूड़ियों को बना लेना है। दोस्तों अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद ही आप इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं कि अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इसी तरह आप सभी पूड़ियों को अच्छे से सेकते जाना है और फ्राई करते जाना है, तो आप इसी तरह बना लीजिए। आई होप आपको आज की ये कचौड़ी बनाने की ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसी तरह एक बार आप बनाइए आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सभी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है, आप इसे हरे धनिये की चटनी या फिर आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको दिखा रही हूँ कितनी फूली फूली हमारी यहाँ पर कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको मैं तोड़कर दिखा रही हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।